हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कटोरा चाट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। और इसे मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए हमें दो तरह की रेसिपी बनानी होगी, एक तो हमें कटोरा बनाना होगा और दूसरा चाट बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटोरे के लिए आटा लगाएंगे। कटोरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और आधा कप सूजी लेंगे। ये सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से या फिर आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार वाले जो कटोरी चाट होती है वो अक्सर मैदे से ही बनाई जाती है, तो आपको अगर बाज़ार का टेस्ट चाहिए तो आप मैदे से ही बनाएं। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच ऑयल और थोड़े से अजवाइन। अजवाइन से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका अच्छा सा मोयन लगा लेंगे। मोयन अच्छी तरह से लगा या नहीं इसे चेक करने के लिए इस तरह लड्डू की तरह इसे बांधेंगे। ये बंधने लगे तो समझ जाएंगे कि इसमें मोयन लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। आटा हम ऐसा लगाएंगे जैसा हम पूरी या पराठों के लिए लगाते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इसका हमने सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा सख्त है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से फूलकर सेट हो सके। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुका है। इसे मैं फिर से एक बार इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसे मिक्स करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोई, जिस तरह से हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा और पूरी से बड़ा लोई लेंगे इसके लिए। सभी आटों की हम लोई तोड़ लेंगे। लोई तोड़ने के बाद इसे साइड रख लेते हैं और एक चकला लेंगे। अब एक लोई लेंगे और इस पेड़ा का आकार देते हुए जिस तरह से हम रोटी या पूरी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। हमें रोटी से छोटा और पूरी से बड़ा बेलना है। अगर बेलने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा ऑयल या फिर सूखा आटा लगा सकते हैं। इसे हमने बेल लिए हैं। इसकी मोटाई इस प्रकार से होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। अब इसके ऊपर फोक की सहायता से हल्का हल्का फ्रेक कर लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूले नहीं। अगर ये फूल जाएगी तो एकदम बेकार हो जाएगी, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा और क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। अब इस तरह की स्टील की कटोरी लेंगे। इस रेसिपी के लिए आप स्टील की कटोरी का ही यूज करें, प्लास्टिक या फिर कांच की कटोरी का यूज ना करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे चारों तरफ से इस तरह से फैलाते हुए लगा लेंगे। अब इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, प्लेट डालते हुए इसे कटोरियों में सेट कर लेंगे। प्लेट डालते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। अब इसे सेट करने के बाद हम इस तरह से दबा देंगे। इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि ये कहीं मोटा या फिर कहीं पतला ना दिखे और देखने में भी कटोरी सुंदर लगे, बिल्कुल टोकरी की तरह दिखे। अब जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हाथ से ही इस तरह से हटा लेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बेला था इस कारण से ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतना ही बड़ा है कि मेरे कटोरियों में ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मैंने सभी एक्स्ट्रा आटे को इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कटोरियों में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसे सेट करने के बाद इसमें फिर से प्रेक कर लेंगे ताकि फूलने का बिल्कुल भी चांस ना रह पाए। इसी प्रकार से बेलते हुए हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। इसे भी हमने बेल लिया है। अब इसे भी फोक की सहायता से फ्रेक कर लेंगे। अब फिर से एक कटोरी लेंगे, इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। इसे भी इस तरह से रोटियों के ऊपर रखेंगे
और प्लेट डालते हुए इसे भी सेट कर लेंगे। इसी तरह पतला करते हुए एक्स्ट्रा आटा को हम हटा लेंगे। इसके ऊपर भी फोर्क से प्रेक कर लेंगे। इस तरह से मैंने दो कटोरियाँ तैयार कर ली है। अब इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिए थे। अब इसे चेक कर लेते हैं ये गरम हुआ है या नहीं। ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है। इस डो को हटा लेते हैं। अब इसमें एक कटोरी इस तरह से डाल लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इसके अंदर भी गरम ऑयल को डाल लेंगे ताकि ये अंदर से भी सिकते रहे। इसे घुमाते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा गरम ऑयल डालते जाएंगे ताकि इसके किनारे भी अच्छे से सिक जाए और कटोरियाँ छूटने में दिक्कत ना हो। मैं इन कटोरियों को एक बार इस तरह से पलट भी लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी ने खुद ब खुद इन कटोरियों को छोड़ दिया है। इसे निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इसे इस तरह से पलट लेंगे ताकि इसके किनारे भी अच्छे से सिक सके। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। गरम गरम ऑयल डालने से ये अच्छी तरह सिक जाएगा। अब इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। इस तरह से एक कटोरियाँ हमारी सिक कर तैयार हो गई है। इसे निकाल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम इसी में निकाल लेंगे। फिर सेम प्रोसेस से हम दूसरी कटोरी को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इसे भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये कटोरी भी सिक चुकी है। इसे भी निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को हम कढ़ाई में ही निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम सभी कटोरियों को सेक लेंगे। मैंने सारी टोकरियाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं चाट बनाने के प्रोसेस में। चाट बनाने के लिए मैं रगड़ा ले रही हूँ, जिसे वाइट मटर भी बोलते हैं। इसे मैंने नमक डाल के पहले ही उबाल लिए थे। आप चाहें तो वाइट वाले काबुली चने या फिर लाल चने के भी चाट बना सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, जिसे मैंने टुकड़ों में इस तरह से काट लिए हैं। थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में ही काट लिए हैं। कटा हुआ प्याज, अगर आप प्याज खाते हो तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज के भी चाट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अब हम इसमें चाट के लिए जो भी मसाले यूज करेंगे वो सब डालेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी सी मिर्च की क्वांटिटी को और बढ़ा लें। एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, ये चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। एक चम्मच काला नमक, एक से डेढ़ चम्मच हरी चटनी डालूंगी, एक चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी फेंटी हुई दही। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट में सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करने से क्या होगा कि पूरे चाट में एक जैसा टेस्ट मिलेगा, कहीं कम या फिर कहीं ज़्यादा नहीं। पूरे चाट में एक जैसा टेस्ट मिलेगा जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे भी साइड रख लेते हैं। अब हम चाट बनाएंगे। इसके लिए एक प्लेट में हम कटोरे को रख लेंगे और इसमें जो मिक्स किया हुआ चाट है उसे इस तरह से डालेंगे। एक डोंगे में भी मैं इसे बना लेती हूँ, जिस तरह से मार्केट में मिलता है। अब फिर से इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर। अब इसके ऊपर डालेंगे फेंटी हुई दही। अब इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसे मैं सजाने के लिए डाल रही हूँ। इसे डालने से चाट देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सेब। इसे सजाने के लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और थोड़े से अनार के दाने, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
इसे देखते ही खाने का मन करेगा। ये चाट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खाने में भी अच्छा लगने वाला है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।